हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा लगे आ चुके हैं बूढ़ा नाथ चौक पे। तो गाइस देखिए हम लोग बूढ़ा नाथ। कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरा बर्थडे और अभी थोड़ा सा लेट हो गया, अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, पर अभी मैं निकल चुका हूँ रूम से। मंदिर जा रहे हैं हम लोग पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हम लोग टोटो पे हैं और मेरे साथ है रॉकी। और अभी मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा, हमारे साथ अमर जी भी हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग चलेंगे मंदिर, मंदिर पे ब्लॉग शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा नजारा। तो ये है अमर, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जा रहे हम लोग मंदिर। गाइज आ चुके हैं बूढ़ा नाथ चौक पे और अब हम लोग जाएंगे अंदर बूढ़ा नाथ मंदिर और पूजा करेंगे। फिर कोचिंग भी जाना है तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, पर अब चलते हैं जल्दी से मंदिर और पूजा करते हैं। तो गाइज बूढ़ा नाथ वाले रोड में हम लोग आ चुके हैं और जा रहे हैं अब मंदिर की ओर। तो आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते में क्या क्या है। गाइस देखिए हम लोग बूढ़ा नाथ के बहुत पास आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा बूढ़ा नाथ का मेन जो लिखा हुआ है, बाबा बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर नाथ मंदिर। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे चाय के स्टॉल और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल है। देख सकते हैं, देखिए ये भी गेट बनाया गया है प्रवेश द्वार। जब यहाँ पे भीड़ होता है तो इस द्वार से लोग जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जो बहुत सारा जो बिकता है डिब्बा, वो सब का भी यहाँ पे छोटा छोटा सा स्टॉल है। चप्पल का स्टैंड बनाया गया, आप देख सकते हैं बूढ़ा नाथ मंदिर के सामने में चप्पल का स्टैंड बनाया गया है। ये पहले नहीं हुआ करता था, पर अब इसे अभी बनाया ही जा रहा है। गाइस देखिए हम लोग यहाँ से एक फूल का साजी ले लेते हैं। फूल का साजी ले लिए हैं और एक जल के लिए ये ले लिए हैं, क्या के लिए लोटकी ले लिए हैं। और ये हैं दादाजी। हाय। हाँ जल ले लिए हैं गाइस, अब जा रहे हैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। तो गाइज आज मेरा, चूँकि आज मेरा बर्थडे है और थोड़ी सी मैं जल्दबाजी में हूँ, इस वजह से मैं आपको बूढ़ा नाथ जो पूरा मंदिर है उसके आसपास जो गंगा नदी की धार है और पार्क है और भी आसपास में जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो सब मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आज मैं जल्दबाजी में हूँ। पर इस व्लॉग का पार्ट टू भी आएगा, यानी कि
मेरे बर्थडे का तो एक ही वीडियो आएगा, पर बूढ़ानाथ का पार्ट टू भी आएगा, तो मैं उसमें आपको बूढ़ानाथ का बाकी बचे जगहों का भी दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आज के बर्थडे के दूसरे वाले सीन में, और मेरे साथ अंकल भी। अंकल कैसा लग रहा है? बाबा का आशीर्वाद ले लिए? बाबा का आशीर्वाद हम लोग नित्य दिन लेते हैं, जब तक आशीर्वाद नहीं लेते हैं तब तक कुछ अपना काम शुरू नहीं करते हैं।